हाय दोस्तों, आप सब लोगों के कमेंट आ रहे थे। मास्क सिलना बताना और कटिंग भी बताना, स्टिचिंग और कटिंग दोनों चीज़। तो वो 8-10 मास्क मैंने कल में और आज में सिले हैं, और अब मैं आपको बता रही हूँ। वैसे मैं काम सिलाई का सब जानती हूँ और बिना ही गुरु का चेला हूँ। मैंने 3 दिन तक सिलाई सीखी है बस, और मैं सारी सिलाई जानती हूँ। 3 दिन सीखने के बाद मेरे पापा मेरे लिए एक बुक लेके आए थे, उस बुक में सब कुछ बता रखा था, और उसी से मैंने सब कुछ सिलना सीख लिया। और मैंने काफ़ी मेहनत की, ऐसा कोई काम नहीं है। ये देखो, 8 सवा 8 इंच के करीब ये मैंने कपड़ा बड़ा ले लिया, और इतना ही हम इसकी चौड़ाई लेंगे, जैसे कि चौरस बरोबर 2। दोस्तों, मैंने कोई ऐसा काम नहीं है जो मैंने सीखा नहीं हो, वो मैं सब जानती हूँ, लेकिन मेरे से होता बहुत कम है। अब बुढ़ी हो गई मैं तो मेरे से होता कम है, और मैं सोचती हूँ करना है तो करना है। अब ये देखो, ये यहाँ से ये 1.5 इंच पे, तो यहाँ पे ये मार्क लगा दिया, और ये आगे मैंने 5.5 इंच पे मास्क का कटिंग के लिए ये लगा दिया, और ये 1.5 इंच पे इधर लगाना है। दोस्तों, ये 1.5 इंच है इधर में, और इधर 6.25 इंच पे ले लिया बीच। ये बीच का लेना है दोस्तों, 6 सवा इंच, और इधर भी है इतना ही लेना है, जितना इधर होता है वही इधर आएगा, 5.5, और इधर भी 5.5। अब इसकी कटिंग हो जाएगी। अब इसकी ये स्टिचिंग करके दिखाऊंगी मैं आपको साथ साथ में ही। जैसे कि एक साइड से ये बंद था, इसको थोड़ा सा या तो ऐसे भी सिल सकता है ये, या थोड़ी थोड़ी इन पे कटिंग कर दो। अब यही भी इसकी स्टिचिंग है। ये थोड़े थोड़े इस पे कट कट वो कैची मार दी जाएगी ना, इसमें धागा खिंचा खिंचा नहीं आएगा। ये दोनों सिलाई मिला के बीच में, और फिर इसको सिल दो।
और ये इलास्टिक मैं इस हिसाब से ले लेती हूँ, इंच टेप से भी नेप ले हो चाहे 5.5 या 6 इंच का नेप ले सकते हो। बाद में ही करो। इसको ऐसे सीधा कर सकते हो। ये भी सीधा हो गया। अब इसमें इलास्टिक लगा देंगे हम ऐसे डाल के अंदर की साइड, थोड़ा थोड़ा कपड़ा अंदर डाल के ऐसे। अभी इस पे सफाई के लिए एक सिलाई और मार देते हैं, ये ऐसे ही रह जाएगा। फिर
ये देखो ये बन गया मास्क। सही से बन गया देखो। तो आप लोगों की फरमाइश पे मम्मी ने ये मास्क सिल के आपको दिखा दिया है। तो आपको ये मास्क और वीडियो दोनों ही कैसे लगे मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छे लगे हो तो ये वीडियो जो है ये लाइक कर देना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है हमारा चैनल तो वो भी कर लेना। और हम मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, और अपना ध्यान रखना दोस्तों क्योंकि कोविड